the Citizen Action Party, making their maiden foray into elections, has emphasized on Sikkimese issues such as identity and reservations to muster support from the voters. CAP's MP candidate Bharat Basnet, speaking exclusively to Notice Live, said the party's main agenda this election is the identity of Sikkim and its people, along with the long-pending demand of Limpu Tamang seat reservation, tribal status to 11 left-out communities, besides others. Basnet also alleged that both the SKM and SDF have failed to vocalize in Sikkim and the people's issues. He further added Sikkim became the hub of corruption, and for that he also promised to bring CBI in the state. सिटीजन एक्शन पार्टी की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में सिक्किम के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भरत बसनेत इस बार चुनावी मैदान में है और अभी मेरे साथ भरत बसनेत थे। सर, आपको सिटीजन एक्शन पार्टी का टिकट मिला लोकसभा के लिए, आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी, इस बार क्या क्या इश्यू मेन एजेंडा लेके इस बार आप चुनाव में जा रहे हैं और आप सांसद चुने तो आपका क्या मेन एजेंडा रहेगा? इस बार सबसे ज्यादा हमारा मेन एजेंडा वही रहेगा कि जो पेंडिंग इश्यूज है जो सिक्किम राज्य का, जैसे लिम्बू तामंग को जो ट्राइबल स्टेटस मिला है लेकिन उनको पार्लियामेंट में सीट नहीं, पार्लियामेंट से कोई सीट का सुनिश्चित किया नहीं गया, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, फिर भी आज तक नहीं हो पाया क्योंकि सांसद जो हमारा अभी वर्तमान सांसद भी इंद्रहांग जी जो लिम्बू समुदाय से ही है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी तामंग समुदाय से है, फिर भी वो नहीं हो पाया। इसको सुनिश्चित करना है, इसको न्याय देना है, मैं वो काम करूँगा। दूसरा काम मैं वो करूँगा जो असंवैधानिक तौर से 1979 से हमारा जो रिजर्व सीट था 32 में सिक्किम लोगों के लिए हमारा सुरक्षित थी, लेकिन वो सीट भी अब नहीं है, वो असंवैधानिक तौर से हम वी हैव लॉस्ट दो सीट्स, तो उसको हम रेस्टोर करना चाहते हैं। तीसरी बात क्या है कि नेपाली सीट, और तीसरी बात क्या है कि जो सिक्किम में भ्रष्टाचार सीमा नागा हुआ है, भ्रष्टाचार वास्तव में यहाँ पर शासन हो रहा है, भ्रष्टाचार ही शासन कर रहा है यहाँ। जो सैद्धांतिक राजनीति अथवा प्रजातांत्रिक मूल्य के आधार पर या संविधान के आधार पर चुनाव भी नहीं हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार का संपत्ति जो नेता लोग ने अर्जन किया है उसी के बल पर दोनों जो प्रतिपक्ष की पार्टी है वो लोग जब भी चुनाव के समय में वही संपत्ति के कारण यहाँ चुनाव होता है, इसलिए इसको अंत होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार को अंत होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे सपोर्ट किया है तो मैं सिक्किम में सीबीआई लाना चाहता हूँ और जो भ्रष्टाचारियों को कानूनी तौर से दंड होना चाहिए। आपके प्रतिद्वंदी देखे तो एसडीएफ की ओर से दो बार के सांसद पीजी राय है, एसकेएम की ओर से एक बार के सांसद इंद्रहांग सुब्बा है, कितना आपको चैलेंजिंग मानते हैं उन लोग? ये चैलेंजिंग है ही नहीं क्योंकि दो बार जो पीडी राय साहब थे उन्होंने भी काम नहीं किए, और इंद्रहांग जी ने तो जब मुद्दा ऐसा आया जैसे आपने बताया 2023 में जो जनवरी में इतना बड़ा सिक्किम भी अशांत रहा, सिक्किम में प्रोटेस्ट हुआ, पब्लिक सब स्ट्रीट में चले आए, ऐसे समय में भी वो सदन में सोए हुए थे, तो इनका गैर जिम्मेवारी पूर्वक जो काम किए हैं इसमें जनता ने सब नाखुश है उनसे, और जनता सब जानता है, और मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आज की हर कोना से सिक्किम के हर कोना से हमको फोन आता है, हमको मैसेज देता है, जनता लोग खुद अपने आप बोल रहा है कि इस बार का संसद तो भरत बसनेत को बनाना है क्योंकि इन्होंने जीवन में भर अपना सिक्किम के लिए और सिक्किमी लोगों के लिए काम किया है तो इनको वोट देना चाहिए।